Hello students, you're welcome at LST. Today I am going to discuss the structure of brain. In the earlier video, we had discussed the parts of neural system. And we know that neural system consists of two parts, central nervous system and peripheral nervous system. In this video, I am going to discuss the main part of the central nervous system, and that is brain. See, brain has three parts. Forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain में कौन कौन से parts आते हैं? तो इसमें आता है आपका cerebrum, thalamus and hypothalamus. जबकि hind brain में कौन कौन से हैं? Hind brains में है cerebellum, pons and medulla oblongata. ठीक है, जबकि ये जो मिड ब्रेन है, इस मिड ब्रेन में आएगा आपको कॉर्पोरा, कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना, क्वाड्रीजेमिना यानी इसके जो फोर ऑप्टिक लोब्स हैं. ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे सेरेब्रम को. ठीक है, तो आइए देखते हैं. ये यदि हमारा ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पर ये एक, तो यह जो है इस सल्कस को, यह जो धंसाव है इसको कहा जाएगा सेंट्रल या रोलैंडिक सल्कस. यह जो है पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस. यह जो है लैटरल, लैटरल या इसी को कहेंगे सिल्वियन सल्कस. और अब इसके लोब्स, तो ये है फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब जो कि क्या होगा, लार्जेस्ट लोब होगा. यह जो है, यह है पेराइटल लोब. यह कैसा है? पेराइटल लोब है. यह जो है ऑक्सीपिटल लोब है, और ये जो है टिम्पोरल लोब है. ठीक है, यानी कि यह जो ब्रेन है इसको कितने लोब्स में बांटा गया? फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल और टिम्पोरल. ठीक है, और ये क्या है? सेंट्रल सल्कस, जो फ्रंटल को पेराइटल से, पेराइटो ऑक्सीपिटल या पेराइटल को ऑक्सीपिटल से, और यह जो है यहाँ पर क्या है? टिम्पोरल. यह जो लैटरल या सिल्वियन सल्कस है वह क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है. ठीक है, इसके बाद देखिए कि जो सेरेब्रम है, यह जो सेरेब्रम है यह मेजर पार्ट है फोर ब्रेन का, और इसके ऊपर डॉर्सल सरफेस एक लॉन्गिट्यूडनल फिसर होता है जिसको बोलते हैं मेडियन फिसर. यह क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल
ग्रो, इसको क्या कहते हैं, मेडियन फिशर। और यह क्या करेगा, तो यह जो है सेरेब्रम को दो भागों में बांटेगा, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर और दूसरा जो है यह है राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर। ये दोनों ही जो हेमिस्फेयर्स हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर के द्वारा, जिसको कहा जाता है कॉर्पस कैलोजम। यह क्या है, कॉर्पस कैलोजम। और यह जो कॉर्पस कैलोजम होगा यह कैसा होगा, तो यह कर्व्ड होगा, कर्व्ड है, थिक है, वाइट है और क्या है, नर्व फाइबर, नर्व फाइबर, ठीक है। इसके बाद देखिए यह जो सेरेब्रम है, सेरेब्रम इसके दो पार्ट्स हैं, एक जो है आउटर पार्ट, दूसरा जो है इनर पार्ट। ये जो आउटर पार्ट है इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, इनर पार्ट जो है यह क्या है, मेड्यूला, ठीक। ये कॉर्टेक्स जो है इसी को हम लोग ग्रे मैटर भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ग्रे मैटर, जबकि यह क्या कहलाएगा, वाइट मैटर। रीज़न क्या है, इसका अपीयरेंस ये कैसा है, ग्रे कलर्ड है, कैसा है, ग्रे कलर्ड, क्यों, ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइटॉन और सेल बॉडीज, व्हाइल दिस वाइट मैटर इज इट अपीयर्स ओपेक वाइट अपीयरेंस। क्यों है ये ओपेक वाइट अपीयरेंस इसका, बिकॉज फाइबर्स ऑफ ट्रैक्ट्स आर कवर्ड विथ, किस चीज से ढके होते हैं, तो माइलिन, माइलिन और मेडुलरी शीथ, ठीक है। इस वजह से यह कैसा होगा, वाइटिश होगा। यह जो है ये जो कॉर्टेक्स है इसके ऊपर क्या होते हैं, इट हैज प्रोमिनेंट फोल्ड्स, इसके ऊपर प्रोमिनेंट फोल्ड्स होते हैं और इस फोल्ड्स में क्या होता है, रीजेज होंगे, रीजेज और ग्रूव्स। ये जो ग्रूव्स हैं इनको कहा जाएगा सल्सी, जबकि इनको कहा जाएगा गायरी। और ये क्या करते हैं, तो इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद ये जो यहाँ आपका जो कॉर्टेक्स है, नोट कर लिया आपने, इसी कॉर्टेक्स को हम आगे और बढ़ाएंगे। ये जो कॉर्टेक्स हैं इसमें तीन एरियाज हैं, कॉर्टेक्स हैज थ्री एरियाज एंड दे आर कौन कौन से हैं, सेंसरी, सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया एंड द थर्ड वन इज मोटर एरिया। सेंसरी एरिया क्या करेगा, तो यह जो है यह एफरेंट न्यूरॉन से जुड़ा होगा और यह क्या करेगा,
तो बॉडी पार्ट से एफरेंट न्यूरॉन जो है इम्पल्सेस को या स्टिमुलस को सेंसरी एरिया में लाएगा, सेंसरी एरिया से जो इन्फॉर्मेशन है जाएगा एसोसिएशन एरिया में। यहाँ पर ये जो नया इन्फॉर्मेशन और ऑलरेडी जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन ब्रेन में है इसके बीच इंटरप्रिटेशन होगा और फिर वहाँ से एक ऑर्डर इम्पल्स जनरेट होगा जो मोटर एरिया में जाएगा और मोटर एरिया से जो इफरेंट न्यूरॉन है वो उसको कहाँ ले जाएगा, इफेक्टर में। ठीक है, यह जो एसोसिएशन एरिया है यह इट इज़ नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर डू क्लियरली मोटर, यह ना तो सेंसरी है और ना ही मोटर। ठीक है, और यह जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरसेंसरी एसोसिएशन, दूसरा जो है मेमोरी और तीसरा जो है इंटरसेंसरी एसोसिएशन मेमोरी और कोऑर्डिनेशन, इंटरसेंसरी एसोसिएशन मेमोरी एंड कम्युनिकेशन, या किसके लिए है कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन, या किसके लिए है कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद एक और जाने हम लोग क्या भाई, लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब ये क्या है, तो देखिए क्या है, इनर पार्ट ऑफ मेड्यूला प्लस एमआई गडाला और हिप्पोकैम्पस ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब को बनाते हैं। और यह जो लिम्बिक सिस्टम है यह किसके साथ, तो यह हाइपोथैलमस प्लस लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम, यानी ये हाइपोथैलमस के साथ मिलकर जो लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम है यह क्या करता है, यह कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स सेक्सुअल बिहेवियर यानी लिबिडो को, इसके अलावा यह किसको कंट्रोल करेगा, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस, जैसे कि कौन कौन सा, एक्साइटमेंट, इसके अलावा प्लेजर, रेज, एंगर, और यह मोटिवेशन को भी क्या करेगा, थर्ड में क्या करेगा, मोटिवेशन, इन सब को ये हाइपोथैलमस और लिम्बिक लोब मिल करके कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके बाद हम देखें किसको, थैलमस को, तो यह जो थैलमस है यह किससे कवर्ड होगा, इट इज सेरेब्रम रैप्स अराउंड द थैलमस, यह थैलमस को चारों ओर से घेरे रहेगा, इट इज द सेंटर फॉर, इट इज द
मेजर सेंटर फॉर कोऑर्डिनेटिंग सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। यानी यह जो थैलमस है यह किस चीज़ को सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग के बीच कोऑर्डिनेशन को एस्टैब्लिश करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम जानेंगे हाइपोथैलमस को। ठीक है, तो देखिए आगे हाइपोथैलमस। यह जो हाइपोथैलमस होगा यह कहाँ रहता है, थैलमस के बेस पे, है ना। और ये बेसिकली किसको कंट्रोल करता है, तो यह बॉडी टेम्परेचर को करेगा, इसके अलावा अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग को। हाइपोथैलेमस, इट लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस। यह थैलेमस के बेस पे रहेगा एंड इट कंट्रोल्स किस चीज को भाई, तो बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर एंड अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ठीक, इसमें इट हैज सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई। इसमें क्या होता है, तो बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स के, जिनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियाई। एंड दिस न्यूक्लियाई सिंथेसाइज एंड सेक्रेट हाइपोथैलमिक हार्मोन्स। ये जो हाइपोथैलमिक हार्मोन्स हैं इनको हम तीन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक तो हैं रिलीजिंग हार्मोन्स, दूसरे जो हैं इनहिबिटिंग हार्मोन्स, और जो तीसरा है वह क्या है, ADH एंटी डायुरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे कहाँ, एंडोक्राइन सिस्टम में। ठीक है, ये जो हैं, ये जो ADH या वैसोप्रेसिन यहाँ से कहाँ चला जाता है, तो हाइपोथैलमस के जो भी हार्मोन्स हैं ये जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में और उसको स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो हार्मोन्स को रिलीज करें। ये जाता है कहाँ भाई, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कहाँ जाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। ये डायरेक्टली न्यूरॉन के थ्रू चला जाता है, जबकि ये दोनों हार्मोन्स जो हैं ये जाते हैं किसको भाई।